जय श्री गणेश। प्रथमेश चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों को किन राशि के वाले जातकों के साथ विवाह करना उचित रहता है। तो जो जानते हैं हम थोड़ा मेष राशि के जातकों के बारे में, तो मेष राशि के जो जातक होते हैं वो प्यार और जिंदा दिली से भरपूर होते हैं। ये बहुत ही एस्ट्रोवर्ट होते हैं और उत्साही प्रवृत्ति के भी होते हैं। इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ नया और अलग करने की इच्छा होती है। मेष राशि को स्वतंत्रता भी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है और शादी के बाद भी इन्हें अपनी स्वतंत्रता में दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इन्हें अपने जैसा ही पार्टनर चाहिए होता है। इस हिसाब से मेष राशि वालों के जिन राशि तीन राशियों से बनती है उनके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो के अंत में। इससे पहले हम बताएंगे कि जो मेष राशि के जातक हैं लड़का या लड़की, उनके हर राशि के साथ में रिलेशनशिप कैसे रहता है। वैसे तो रिलेशनशिप कमिटमेंट पर होता है, इसलिए जिस रिश्ते में भी आप भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को समझने लगते हैं तो आपका बिगड़ता रिश्ता भी सुधर सकता है। फिलहाल हम आपके राशि अनुसार जानेंगे कि आपकी जोड़ी किस राशि से अच्छी बनेगी। तो जो मेष राशि के लड़के लड़कियां हैं उनकी जोड़ी मेष राशि से ही कैसी रहती है, आइए इस बारे में जानते हैं। अगर लड़का और लड़की दोनों एक ही राशि यानी मेष राशि के हों तो ये दोनों ही राशियां स्वभाव से उग्र, क्रोधी, चिड़चिड़ेपन वाली होती हैं तथा अग्नि तत्व वाली होती हैं। इसके कारण इनके आपस में विवाह संबंध करना ठीक ही रहता है। इनमें जो स्वभावगत शत्रुता नहीं होती है, अगर जो पर्सनल दुश्मनी या दोस्ती जो आती है वो आपसी स्वभाव पर निर्भर करता है। मेष राशि की स्त्रियां थोड़ी आक्रामक और झगड़ालू होती हैं। दोनों राशियों में तात्विक समानता होती है, ये आपस में शादी कर सकती हैं, पर इसमें जो पुरुष हैं उनको उदारता लानी पड़ेगी। पुरुष को घर की सारी जिम्मेदारी महिला को अगर सौंप दे तो रिश्ता मधुर रहता है। अगर बात करें लड़का मेष का और लड़की वृष की हो तो मेष राशि उग्र स्वभाव वाली होती है और जो वृष राशि होती है वो सौम्य स्वभाव की होती है। मेष दिन वाली हैं और वृष रात्रि वाली हैं। ये दोनों आपस में विवाह तो कर सकते हैं परंतु इनके जो वैचारिक मतभेद है वो बना रहेगा। मेष राशि पुरुष वृष राशि स्त्री पर भारी रहेगी। अब बात करते हैं अगर लड़की मेष की हो और लड़का वृष का हो तब क्या होता है। अगर लड़की मेष की और वृष लड़के का हो तो वृष राशि सौम्य स्वभाव की और शांत होती है और मेष वाली स्त्रियां थोड़ी अहंकारी स्वभाव की होती हैं। पुरुष को स्त्री की थोड़ी चापलूसी करके अपना काम निकलवाना पड़ेगा। दोनों में तात्विक विषमता है जिस कारण के दाम्पत्य जीवन समझौते के आधार पर ही चलेगा। ज़्यादा समझौता इसमें पुरुष को ही करना पड़ेगा। अब बात करें लड़का अगर मेष राशि का हो और लड़की मिथुन राशि का की हो तो क्या होता है। इन दोनों राशियों का नेचर एक जैसा होता है और दोनों राशियों भी सम होती हैं। ये दोनों ही वायु तत्व की राशि होती हैं। इन दोनों राशियों का नेचर एक जैसा होता है, आपस में संबंध भी सम है, जिस कारण विवाह या प्रेम करना ठीक रहेगा। मेष अग्नि तत्व की राशि है और वृष वायु तत्व की राशि है। अग्नि अपना प्रचंड रूप तभी दिखा पाएगी जब वायु उसका साथ दे। मिथुन यदि मेष का सहयोग करेगी तो मेष का पुरुष सफलता के नए आयाम रच सकता है, वो कामयाबियों की बुलंदियों को छू सकता है। अब बात करते हैं अगर लड़की मेष की हो और लड़का मिथुन का हो तो क्या होता है। मेष और मिथुन इन दोनों राशियों में तात्विक समता नहीं होती, ये समस्या को मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। मिथुन का पुरुष मेष की स्त्री को सपने तो बहुत दिखाएगा परंतु उनको पूरा करने में टाल मटोल दिखाएगा, जिस वजह से मीठी नोकझोंक हो सकती है। इन दोनों का विवाह उत्तम रहेगा।
अगर बात करें लड़का मेष का हो और लड़की कर्क की हो तब क्या होता है। मेष एवं कर्क का स्वामी आपस में नैसर्गिक मित्र हैं, लेकिन अग्नि और जल आपस में विरोधी हैं। ये प्रेम तो करेंगे परंतु विचारों में घोर शत्रुता होगी और आए दिन तकरार होती रहेगी। आपस में प्रेम कर सकते हैं परंतु विवाह ना करना ही उचित रहता है। अब अगर लड़की मेष की और लड़का कर्क का हो तो क्या होता है। कर्क का शालीन स्वभाव मेष को रास नहीं आएगा। जल तत्व होने के कारण कर्क का पुरुष सबकी मदद करना चाहेगा, परंतु जो मेष की महिला है उसे ऐसा करने से रोकेगी और नाराज होगी। कर्क को रात्रि में काम करना पसंद होगा और मेष को रात्रि में सोना पसंद होगा। कुल मिलाकर इन दोनों के आपस में विवाह करना ठीक नहीं है। अगर लड़का सिंह का हो और अगर लड़का मेष का हो और लड़की सिंह की हो तो क्या होगा, तो क्या इनका विवाह ठीक रहेगा। मेष और सिंह इन दोनों राशियों का तत्व अग्नि हैं। दोनों ही आकर्षक और उत्तेजक हैं। इनके स्वामी भी आपस में मैत्री भाव रखते हैं। सिंह की शक्ति को यदि मेष स्वीकार कर ले तो जोड़ी में अनंत प्रेम होगा। मेष यदि समर्पित रहेगी तो दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय रहेगा। और अगर लड़की मेष और लड़का सिंह का हो तो क्या होगा। मेष और सिंह दोनों की जोड़ी आकर्षक और समझदार साबित होगी। सिंह का आकर्षक व्यक्तित्व और मेष की चालाक बुद्धि बेहतर परिणाम लाने में सक्षम होंगे। सिंह का बेहतर नेतृत्व और मेष की कूटनीतिक चालें हर समस्या को सुलझाने में कामयाब होंगी। और अगर लड़का मेष का और लड़की कन्या की हो तो क्या होगा। मेष और कन्या इनका विवाह जीवन अच्छा हो सकता है। यदि मेष के क्रोध को कन्या बर्दाश्त कर ले अथवा तकरार की स्थिति बनी रहेगी। इन दोनों के स्वामी भी आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं, इसलिए ये आपस में विवाह संबंध करने से पूर्व एक दूसरे को ठीक से समझने की कोशिश कर लें तो अच्छा रहेगा। और लड़की मेष की और लड़का कन्या का हो तब क्या होता है। यदि मेष और कन्या का विवाह होगा तो बुद्धिमान व ईमानदार कन्या राशि पर मेष की स्त्री इसे अपने प्रभाव में रखेगी। कन्या का पुरुष मेष की स्त्री की गलतियों को एहसास कराएगा जो उसे रास नहीं आएगा। इसमें तात्विक समानता नहीं होती है, इसका मिलन आदर्श विवाह की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर लड़का मेष का और लड़की तुला की हो तो क्या होता है। तुला राशि का सौंदर्य मेष को आकर्षित करेगा। ये दोनों ही उग्र स्वभाव की राशियां हैं। आकर्षण और प्रेम में बदलेगा और जब प्रेम समर्पण का रूप धारण कर ले तो विवाह अत्यंत ही सुखदायक रहेगा। विचारधारा एक रहेगी, किंतु तुला का सौंदर्य वाले नखरे मेष को बर्दाश्त करने होंगे। और अगर लड़की मेष की और लड़का तुला का हो तो विवाह कैसा रहेगा। तुला के पुरुष की खूबसूरती पर मेष की महिलाएं मर मिटेंगी और अपने को समर्पित कर देंगी, लेकिन पुरुष की नीच संगति से मेष को काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि मेष क्षत्रिय राशि है और तुला शूद्र राशि है। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़केंगे, किंतु मेष से झूठ बोलना तुला को महंगा पड़ सकता है। अगर लड़का मेष का और लड़की अगर वृश्चिक की हो तब विवाह करना कैसा होता है। ये दोनों ही मंगल की राशियां हैं। मेष का अग्नि तत्व और वृश्चिक का जल तत्व है। ये दोनों आपस में विवाह तो कर सकते हैं, लेकिन विरोधाभास की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि वृश्चिक राशि मेष पर हावी रहने की कोशिश करेगी। तकरार की सबसे बड़ी वजह यही होगी। और अगर लड़की मेष की और लड़का वृश्चिक का हो तब क्या होगा। इन दोनों राशियों में घोर तात्विक विषमताएं दिख रही हैं। दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। मेष का एटीट्यूड वृश्चिक को खलेगा और वृश्चिक की कंजूसी मेष को क्रोधित करेगी। इन दोनों में पट सकती है, परंतु उसके लिए एक दूसरे को ठीक से समझना होगा। इनका विवाह सामान्य कहा जाएगा। और अगर लड़का मेष का और लड़की धनु की हो
तब विवाह कैसा रहेगा। इन दोनों की जोड़ी मिसाल कायम कर सकती है, बशर्ते ये तीसरे की बात पर विश्वास ना करें। अग्नि तत्व की राशियां हैं, एक विचार तथा अगाध प्रेम रहेगा। इनके प्रेम से लोग जलेंगे। जब भी तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी तो उसका कारण कोई तीसरा ही होगा। और अगर लड़की मेष की और लड़का धनु का हो तो इनकी जोड़ी कैसी रहेगी। धनु की धुन और मेष की ऊर्जा यदि मिल जाएं तो सफलता का शिखर तक पहुंच सकती हैं। धनु पूरी लगन से मेहनत से कार्य करने में विश्वास रखता है और मेष के पास ऊर्जा तो बहुत है परंतु वह सही कार्य में इस्तेमाल नहीं करती। इन दोनों का मिलान एक आदर्श जोड़ी के रूप में चर्चित हो सकता है। लड़का मेष का और लड़की अगर मकर की हो तो क्या होगा। मेष का स्वभाव तेज तर्रार है और मकर का स्वभाव काम टालने वाला है, जिस कारण मकर पर मेष को क्रोध आएगा। दोनों में तात्विक समानता तो है परंतु मकर का त्याग करने पर ही रिश्ते अच्छे रहेंगे। आपस में इनके विवाह संबंध सामान्य ही कहे जा सकते हैं। और अगर लड़की मेष की और लड़का मकर का, मेष की पहली नज़रों से मकर की मक्कारी बच नहीं पाएगी। यदि मकर अपनी मक्कारी कम कर दे तो ठीक है, वरना मेष की स्त्री स्वयं ठीक कर देगी। तात्विक समानता तो है परंतु नैसर्गिक शत्रुता है, इसलिए मेल भी खाएगा और झगड़ा भी होगा। इनका वैवाहिक जीवन सामान्य कहा जा सकता है। और अगर लड़का मेष का और लड़की कुंभ की हो तो, कुंभ राशि घड़े का प्रतीक है, जिस कारण उसके अंतर्मन को समझ पाना थोड़ा कठिन होगा। कुंभ का मन से जीता जा सकता है ना कि तन से। मेष आक्रामक एवं समझदार है। मेष राशि कुंभ के मन को भली भांति पढ़ने में सक्षम है। कुंभ की स्त्री समर्पण का भाव रखती है, अतः इन दोनों का वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा। और लड़की मेष की और लड़का कुंभ का हो तो फिर क्या होगा। मेष की गंभीरता और कुंभ की शालीनता व परिश्रमी स्वभाव बेहतर परिणामदायक साबित हो सकते हैं। इन दोनों में सबसे ऋणात्मक बात है अहम का और टकराव का, अगर इससे बचा जाए तो बेहतरीन होगा। कुंभ का मिलनसार व्यक्तित्व सबको भाएगा, लेकिन मेष का रूखा स्वभाव लोग पसंद नहीं करेंगे। इनका वैवाहिक जीवन औसत रहेगा। और लड़का मेष का और लड़की मीन की हो तो, इन दोनों का तात्विक विषमता है, लेकिन दोनों का स्वामी आपस में नैसर्गिक मित्र हैं। मीन रात्रि चर प्राणी है और मेष दिन चर प्राणी है। मेष क्षत्रिय राशि है और मीन ब्राह्मण राशि है। इन दोनों का प्रेम तथा वैवाहिक संबंध अच्छा रहेगा। मीन को समझौता अधिक करना पड़ेगा। लड़की मेष की और अगर लड़का मीन का हो तो, मेष का ताना शाही नेचर और मीन की चंचल स्वभाव टकराव का कारण बन सकता है। मेष की स्त्री मीन के पुरुष को सुधारने का प्रयास करेगी, लेकिन पुरुष अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। मीन का पुरुष मेष की महिला को प्रेम तो बहुत करेगा किंतु सही बात नहीं बताएगा। इन दोनों का विवाह सफल तभी हो सकता है जब दोनों आपस में कुछ छिपाए नहीं। हमने आपको कहा था कि मेष का विवाह तीन राशियों से बहुत अच्छा रहता है, तो मेष का विवाह यदि इस हिसाब से मेष राशि वालों की सिंह धनु और वृश्चिक राशि वालों के साथ अगर शादी होती है तो बहुत अच्छी नियुक्ति है। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तब लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।